नरसिंहपुर पुलिस को बहुत ही कम समय में एक अंधे कत्ल को सुलझाने में सफलता मिली है। यहां पुलिस ने कुछ ही दिनों के अंदर आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी चिचली का रहने वाला है और उसे शक था कि उसकी दोस्त के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजू की हत्या कर दी। पर जैसे ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की, उसे मामले के तार हेमराज से जुड़ते नजर आए। और जब पुलिस ने हेमराज को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पूरे मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी अरविंद चौबे और उनकी टीम की मुख्य भूमिका रही, इसलिए पुलिस अधीक्षक गुरुकर्ण सिंह ने पूरी टीम को नगद पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। 4 तारीख को डोला बाबा पहाड़ी पे एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसको कि मुंह हाथ पांव गले में इसको बांध के फेंका गया था और बाड़ी का अनुमान था कि 8-10 दिन पुरानी लाश है। तत्काल SDP काटावाड़ा यादव साहब और अरविंद चौबे टी आई गाड़ावाड़ा वहाँ अपने स्टाफ के साथ पहुँचे। क्राइम ब्रांच के टाइम टीम को भिजवाया गया। सबने मिलके लगातार मेहनत करके 48 घंटे के अंदर इस अंधी हत्याकांड का खुलासा किया है। इसमें जो कहानी बातें पता चली कि ये बेसिकली जो आरोपी हैं, इनके परिवार में अवैध संबंधों की कहानी के चलते ये हत्या की गई थी। इसमें आरोपी संदीप और हेमराज इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी पूरे स्टाफ को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।